अब हमारा अगला है राइस का बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन मतलब उसका पूरा प्लांट के बारे में देखते हैं हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं मतलब राइस या धान के पौधे को। तो राइस का हम लोग साइंटिफिक नेम जानते हैं, ओराइजा सटाइवा होता है, बोटेनिकल नेम भी बोल सकते हैं, साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं। ये फैमिली ग्रामिनी या पोएसी में आता है, जिसको हम लोग घास का फैमिली बोलते हैं, ग्रास फैमिली, ठीक है। मोनोकोटिलेडोनस प्लांट होता है ये, एक कोटिलेडन होता है और ये ग्रामिनी या पोएसी फैमिली का होता है। अब जीनस तो ऑलरेडी जब बोटेनिकल में ओराइजा सटाइवा है तो ओराइजा जीनस होगा, सटाइवा स्पीसीज होगा। टेस्ट वेट, टेस्ट वेट मतलब सीड का, हजार सीड का कितना वेट होता है किसी भी इसके, तो उस स्पीसीज या प्लांट का हम लोग उसका टेस्ट वेट बोलते हैं। मतलब 1000 सीड काउंट करके अलग कर लेंगे, उसको वे कर लेंगे, तो वो मतलब अगर हम 25 ग्राम ले अगर धान का, लगभग 25 ग्राम, तो आगे पीछे हो सकता है धान के साइज से, 25 ग्राम धान लगभग जो है वो 1000 सीड होगा, तो वो टेस्ट वेट कहलाता है। 1000 सीड का जितना वेट होता है वो टेस्ट वेट कहलाता है। हलिंग परसेंट, मिलिंग परसेंट, ठीक है। तो ये हलिंग परसेंट या मिलिंग, हीलिंग नहीं, मिलिंग या हलिंग, तो ये 60 से 66% होता है। मतलब 1/3 जो है भूसा में चला जाता है, बाकी आपको चावल, जो धान से चावल बनता है, तो वही मिलिंग परसेंट या हलिंग परसेंट कहलाता है। और बोला जाता है ऐसा, मतलब रफ इसमें, कि 5000 लीटर पानी से 1 किलो धान होता है, इतना पानी चाहिए होता है धान के लिए, ठीक है। बोटनिकल डिस्क्रिप्शन में अब चले तो ये 52। अच्छा ठीक है, ठीक है, और इसमें रफ फिगर बताया गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद कर लो। तो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में जाए तो एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप कहने का मतलब होता है कि अपने फ्लावर से ही अपना ये पोलिनेशन करके, फर्टिलाइजेशन करके सीड डेवलप करता है। क्रॉसिंग कराने के लिए हमें इसको, अगर जैसे ब्रीडिंग वगैरह क्रॉस कराना होता है तो उसका अलग प्रोसेस होता है, उसको हम लोग फॉलो करना पड़ता है जो ब्रीडिंग में पढ़ते हैं। तो ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। इसका जो होता है सेमी एक्वेटिक प्लांट है, मतलब ये पानी में डूबा हुआ भी रहे तो भी, अगर मतलब 1 मीटर प्लांट लंबा होता है, लेकिन अगर पानी में डूबा भी रहे तो वो 5 सेंटीमीटर, अपने 5 मीटर तक बढ़ जाएगा। अब पानी में जब डूबा हुआ है, बाकी आप प्लांट को अगर देखो, पानी अगर उसमें जमा रहेगा तो प्लांट मर जाता है, ठीक है। लेकिन ये धान का नहीं मरता है, क्यों, क्योंकि क्यों मरता है, पानी जमा होने के कारण उसको रूट को मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और प्लांट मर जाता है। लेकिन इसके स्टेम, लीफ, रूट में एरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। एरेनकाइमेटस मतलब जो पोर स्पेसेस होता है, हवा मतलब कुछ जैसे ये वाला दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा होगा पहला ऊपर वाला फोटो जो है ग्रीन कलर का, जिसमें आपको बहुत जगह स्पेस दिख रहा है, स्पॉन्ज टाइप का स्पंजित, तो वहां वहां से सेल्स मर गए हैं और वहां हवा वाला जगह बन गया है। तो ये आपको लीफ से या स्टेम से वो रूट तक चला जा सकता है हवा, ठीक है। तो इससे रूट मरता नहीं है पानी में, तो ये सेमी एक्वेटिक प्लांट है और इसमें एरेनकाइमेटस टिश्यू पाया जाता है प्लांट में, इसमें राइस में, ठीक है। राइस का एक प्लांट का हम लोग पार्ट देखें, आप लोग अभी हम लोग जो चीज पढ़ाएंगे, कल आप लोग धान का लाओगे और उसका हर पार्ट को देखोगे क्या क्या चीज है, क्या कहलाता है, कौन, आपके सभी के घर के आसपास एक एक धान का पौधा मिल जाएगा, ओके। तो सबसे पहले होता है नीचे रूट, एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग बाद में। उसके ऊपर जो होता है स्टेम, स्टेम को हम लोग कल्म भी बोलते हैं, CULM, कल्म, कल्म भी बोलते हैं स्टेम को। फिर लीफ होता है, टिलर्स होता है, टिलर्स क्या होता है ना, पहले एक आगे भी बताएंगे, बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं नीचे से राइस के, वो टिलर्स कहलाते हैं, जैसे हिंदी में लोग कल्ले बोलते हैं, कल्ले फूटना बोलते हैं, कल्ले फूट रहे हैं। तो एक पहले प्लांट निकलता है, उससे बहुत सारे प्लांट निकलते हैं, वो जो और प्लांट जो निकले हुए प्लांट के पार्ट, वो टीलर्स कहलाते हैं। पैनिकल, पूरा फ्लावर को हम लोग पैनिकल बोलते हैं, राइस के पूरा इंफ्लोरेसेंस जो होता है राइस का, वो पैनिकल कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग रूट सिस्टम में जाएं, तो अगर अभी आप एक मैच्योर राइस प्लांट को खारोगे तो उसमें फाइबरस रूट, ये पहला जो ये रेड में ऊपर में दिख रहा है फोटो, ये फाइबरस रूट है। तो फाइबरस रूट होता है राइस में, लेकिन ये आपको एडवेंटिशियस रूट होता है, क्यों, क्योंकि ये स्टेम से, पोर्शन से निकला होता है, इंटरनोड से निकला होता है। कैसे होगा भाई बताते हैं, लेकिन जब सीड जर्मिनेट करता है उस समय जो राइस निकलता है, रूट निकलता है, और जो बाद में होता है, दोनों अलग अलग होता है। तो पहला जो राइस, सेकंड जो उसका फंक्शनल रूट है, वो फाइबरस रूट होता है राइस का। लेकिन जब हम अगर जर्मिनेट करते हैं सीड को, राइस को आप लोग करके देखना, कुछ धान लेकर के आना, उसको अलग अलग जगह पर जर्मिनेट करना, मिट्टी में, पानी मिट्टी में ही पानी डुबो करके, ठीक है, बालू पे ऐसे रख करके भीगा पानी देते रहना और
टिश्यू पेपर पर रख के उसको जर्मिनेट करके देखना राइस कैसे जर्मिनेट होता है, या पानी में डुबो करके रखना, तो देखना उसमें दो तरह से, जब हम लोग, एक होता है लो लैंड राइस, एक होता है अपलैंड राइस। अपलैंड राइस करने का मतलब पानी वहां ज्यादा नहीं होता है तो आराम से वो उसमें पानी नहीं होता, दिक्कत नहीं होता है कोई भी, मतलब पानी नहीं रहेगा, नमी रहेगा खाली। जब नमी रहेगा तो उसमें आपको जर्मिनेशन अलग तरह से होगा। और लेकिन एक होता है लो लैंड राइस, जैसे पानी में डूबा हुआ रहता है, तो वहां पर दूसरे तरह से जर्मिनेशन होता है। तो किस तरह से होता है, जब हम लोग पहला अगर पानी मतलब ज्यादा नहीं है, डूबा हुआ नहीं है, ठीक अपलैंड राइस है, तो वहां पर क्या होता है, पहले कोलियोराइजा निकलता है, जो पहला जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होगा तो जो निकलेगा वो ये ऊपर वाला कोलियोराइजा दिखा हुआ दिख रहा है, कोलियोराइजा आपको निकलेगा, ठीक है। कोलियोराइजा से ही फिर बाद में एक रेडिकल निकलेगा जो रूट बनाएगा, फिर बाद में यहाँ से स्टेम वाला पोर्शन आपको जो रेडिकल है फिर लिम्यूल निकलेगा। तो ये आपको अपलैंड राइस के कंडीशन में होता है। अब लो लैंड राइस में क्या होता है, पानी रहता है, पानी में जैसे ही अब जब इससे हम लोग शूट निकलेगा या आपको प्लीम्यूल निकलेगा, पानी हो सकता है सड़ जाए, तो उसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए ये कोलियोप्टाइल बनाता है। कोलियोप्टाइल क्या होता है, एक लंबा ऐसा पहले निकलेगा जिसके अंदर आपका शूट जो है जिसको प्लीम्यूल बोलते हैं वो सेफ रहता है, फिर जब ऊपर आएगा फिर वहां से प्लीम्यूल निकलेगा, शूट निकलेगा, फिर बाद में कोलियोराइजा निकलेगा और आपको उससे रूट बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब जो रूट निकला है पहला तो आपको कोलियोराइजा से, उसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल रूट, ठीक है, सेमिनल रूट बोलते हैं। तो ये सेमिनल रूट आपको प्राइमरी रूट हो गया, पहले जो निकला हुआ, ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, फिर मर जाता है जब प्लांट का आपको शुरू हो जाता है। आपको इस तरह से जब आप ये देख लो, जब ये पहला रूट निकला तो सेमिनल रूट निकला, सेमिनल रूट निकल मर जाता है जब प्लांट आपको डेवलप करना शुरू हो जाता है, पहला इंटरनोड से रूट निकलने लग जाते हैं। इंटरनोड मतलब स्टेम में इंटरनोड पाया जाता है, और स्टेम से निकलने वाले रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट निकलेगा पहला आपको, तो वहां से वो फाइबरस वाला जो रूट बनता है, सेकेंडरी रूट जो फंक्शनल रूट होता है राइस का, वो पहला इंटरनोड से निकला हुआ होता है, ठीक है। और ये रूट मर जाएगा बाद में, सेमिनल रूट। तो अब आप लोग इसको जर्मिनेट करके फोटो खींच के रखना कि कौन सा सेमिनल रूट है, फिर बाद में कौन सा, ये जैसे स्टेम का पोर्शन है ना पहला नीचे, सीड और स्टेम जब यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर से जब रूट निकलना शुरू होता है, ये सब भी देखना आप, उखाड़ उखाड़ के पौधे को अलग अलग लगा के देखो, उखाड़ उखाड़ के उसको फोटो खींचो कि कैसे रूटिंग होता है इसमें राइस में, ओके। तो ये आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो जो सेमिनल, जब सेमिनल रूट मर जाता है, क्रॉन रूट मतलब जो पहला आपका जो रूट निकलना शुरू हुआ आपको पहला इससे इंटरनोड से, जिसको हम लोग बोलते हैं नोडल रूट भी बोल सकते हैं या एडवेंटिशियस रूट भी बोलते हैं, वो एक क्रॉन की तरह निकलता है, इसको हम लोग क्रॉन रूट बोलते हैं। और जब ये क्रॉन रूट शुरू में निकलना शुरू होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉन रूट इनिशिएशन स्टेज, जिस स्टेज पे क्रॉन रूट बनना या मतलब नोडल रूट बनना शुरू होता है वो कहलाता है क्रॉन रूट इनिशिएशन स्टेज। इसका इंपॉर्टेंस बीट में पढ़ेंगे ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो ये रूट सिस्टम था। अब शूट सिस्टम में क्या है, अब पौधे निकल गए, पौधे जब निकल गया तो शूट सिस्टम बन गया पूरा, मतलब ये आपको फाइबरस रूट हो गया, स्टेम, स्टेम मतलब कल्म भी बोलते हैं, स्टेम भी बोलते हैं, कल्म में कल्म है और फिर ऊपर लीफ है, ये आपको एक आपको प्लांट हो गया। अब इस प्लांट से आप देखिए कभी कभी नीचे वाले और उसके ऊपर वाले इंटरनोड से कुछ प्लांट साइड से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, कुछ प्लांट साइड से निकलना शुरू होता है। तो जो पहला बार निकलना शुरू हुआ मतलब मेन प्लांट ये हो गया, आपको मेन प्लांट हो गया ये, इस प्लांट के बाद जो दूसरा प्लांट निकला इससे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टिलर्स, यही टिलर है, इसी को हम लोग टिलर्स बोलते हैं। एक प्लांट है उससे निकलना शुरू हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं टिलर्स। अब इस प्राइमरी टिलर से फिर आगे टिलर्स निकलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी टिलर्स, सेकेंडरी टिलर से फिर आगे टिलरिंग शुरू होगा तो टर्शियरी टिलर्स। ये टिलरिंग तब तक चलता रहता है जब तक आपको प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, ठीक है। तो ये टिलरिंग चलते रहता है। टिलर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव टिलर्स मतलब प्रोडक्टिव टिलर्स, नॉन प्रोडक्टिव टिलर्स मतलब जो टिलर्स में फ्लावर बियर करेगा आगे वो कहलाएगा प्रोडक्टिव टिलर्स, और बाकी ऐसे ही होते हैं नॉन प्रोडक्टिव टिलर्स, उनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, अगर उसको काट के हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन तो अब हम जो देखें कल्म और स्टेम, अब उस जब प्लांट का हम लोग शूट में देखें तो शूट में हम लोग क्या क्या पार्ट बोले हैं, अब वो कल्म देखे हैं, लीव्स देखे हैं, प्राइमरी टिलर्स, सेकेंडरी टिलर्स। तो अगर हम देखें तो रूट जो स्टेम होता है इसमें एरेनकाइमेटस टिश्यू होता है, तो जिसके कारण ये होलो होता है, ठीक है। प्राइमरी टिलर जो है मेन कल्म से निकलता है, मेन स्टेम से,
जो भी जुड़ा हुआ रहेगा आपको टीलर, वो प्राइमरी टीलर कहलाएगा। प्राइमरी टीलर से जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको सेकेंडरी टीलर बोलेंगे, सेकेंडरी टीलर से जो निकला हुआ रहेगा टीलर उसको टर्शरी टीलर बोलेंगे। ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो जब तक वेजिटेटिव फेज रहता है तब तक राइस का टिलिंग चलता रहता है। पेनिकल बेयरिंग टिलर्स आर नोन एज फर्टाइल या प्रोडक्टिव टिलर्स। जो भी टिलर्स पे आपको फ्लावरिंग होगा या पेनिकल डेवलप होगा उसको हम लोग बोलते हैं फर्टाइल टिलर्स या प्रोडक्टिव टिलर्स। ओके, अब हम लोग आ जाए लीफ पे। स्टेम का ही एक पार्ट, मतलब हम कल्ब का एक पार्ट था स्टेम, अब हो गया लीफ। लीफ जनरली दो पार्ट में होते हैं। अगर आप लोग जाके प्लांट को कभी भी उखाड़ के लाओगे तो लीफ को कभी ऐसे हटा के देखना प्लांट से, तो दो तरह का पार्ट मिलेगा। एक जो पूरा स्टेम से ऐसे सटा हुआ रहता है, फिर वहां से अलग होता है, ठीक है। मतलब एक प्लांट आपको निकला स्टेम के अलोंग चलते रहा, फिर उसके बाद से अलग हो गया, तो उस पूरा पोर्शन लीफ कहलाता है। लेकिन जो स्टेम के अलोंग साथ साथ चला उसको हम लोग बोलते हैं लीफ शीथ, लीफ शीथ बोलेंगे। और जो ऊपर से ऐसे अलग हुआ जो आपको मेन लीफ दिखता है प्लांट का, उसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड्स, ठीक है। ये अल्टरनेट बियरिंग होता है कल्प पे, कल्प पे अल्टरनेट बियरिंग मतलब एक इस साइड से हुआ तो दूसरा इस साइड से होगा राइस का, ठीक है। 90 डिग्री पे पहले एक निकला तो दूसरा उसके 90 डिग्री पे, फिर तीसरा पहला वाले के तरह से निकलेगा। अल्टरनेट बियरिंग, एक इस साइड से एक इस साइड से, एक इस साइड से एक इस साइड से, ठीक है। एक मतलब इस साइड से निकला तो दूसरा इस साइड से निकलेगा, तीसरा इस साइड से निकलेगा। तो अल्टरनेट बियरिंग हुआ कल्प पे अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, 90 गलत बोला था, 180 डिग्री पे। जो सबसे लास्ट लीफ होता है जो पेनिकल के सबसे नीचे होता है उसको लोग फ्लैग लीफ बोलते हैं। इसका भी इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो करके जमा करता है दाने में, ग्रेन फिलिंग में, इसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लैग लीफ का। तो फ्लैग लीफ किसको बोलते हैं, जो पेनिकल के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। तो अब हम लीफ का अगर पोर्शन देखें, कभी भी आप लीफ तोड़ कर लाना, देखना उसको, दिक्कत होगा तो बताना। लीफ जब हम लाएंगे तो आप स्टेम से हटाना लीफ को, तो देखोगे कि एक जब तक जहां पर शीथ है, शीथ और लीफ के बीच में एक रीजन है जहां से लीफ मुड़ सकता है। मुड़ सकता है वो जनरली नोड हम लोग समझ लेते हैं उसको, वो नोड नहीं होता है, उसको बोलते हैं फलवाइनस शीथ। फलवाइनस शीथ का मतलब होता है लीफ को मुड़ने उड़ने के लिए आपको मॉडिफाइड होता है, ठीक है। फिर होता है जहां पर लीफ शीथ और ये होता है लीफ ब्लेड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलर रीजन। कॉलर रीजन बोलेंगे, कॉलर रीजन के ही पास में जो अगर आप स्टेम के अंदर के तरफ लीफ का पोर्शन देखेंगे तो वहां पर दो चीज देखिएगा। एक व्हाइट कलर का पेपर ही, मतलब एकदम पेपर से भी पतला जो है एक लेयर होता, मतलब ये होता है थिन लेयर होगा, स्ट्रक्चर होगा जो आपको उसमें स्टेम में सटा हुआ रहता है, लीफ से बना रहेगा स्टेम में सटा रहता है, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं लिग्यूल। लिग्यूल किसी किसी में पाया जाता है घास में, किसी किसी घास में नहीं पाया जाता है। तो धान में लिग्यूल पाया जाता है, लिग्यूल को इतना ज्यादा स्टडी नहीं किया गया, लेकिन इसको माना जाता है कि लीफ शीट से स्टेम में सटा रहता है, तो उससे अंदर धूल या फिर आपको कीड़े मकोड़ों को अंदर जाने से हो सकता है रोक सके, अंदर स्टेम के पास में लिग्यूल का ये काम हो सकता है। फिर एक होता है आप देखिएगा हेरी लाइक स्ट्रक्चर, लिग्यूल के ही नीचे दो ऐसे हेरी लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, ठीक है। अगर होगा मैं धान का पौधा ले आऊंगा तो दिखा, अगली इसमें आपको करा देंगे प्रैक्टिकल टाइप से, ठीक है। आप लोग धान का पौधा किसी दिन लेकर आना, बताएंगे। तो उसको बोलते हैं ऑरिकिल। ऑरिकिल का भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको माना जाता है कि वो लीफ को स्टेम से अलग, मतलब ऐसे झुकाने के लिए हटाने के लिए काम आता है, ठीक है। फिर लीफ में वेंस होते हैं, जानते हैं सभी लोग वेंस होता है, मिडरिब होता है, सारे लीफ में होते हैं। इसके वेंस होते हैं पैरेलल होते हैं, पैरेलल वेंस होते हैं, ठीक है। और मिडरिब के अलोंग एकदम पैरेलल साथ साथ चले मिडरिब के। बाकी अगर डायकोट का लीफ देखोगे तो आप उसमें मिडरिब से ऐसे निकला रहेगा, उसमें ब्रांचिंग होता है। लेकिन जो मोनोकोट का लीफ होता है उसे सारे इसमें वेंस होते हैं, पैरेलल होते हैं, पैरेलल वेंस होते हैं, ठीक है। फिर अगला पार्ट है पेनिकल, ये भी शूट का ही पार्ट है। पेनिकल जो होता है पूरा इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस जो होता है वो पेनिकल कहलाता है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब पूरे फ्लावर का गुच्छा को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, और तो उसके राइस के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग बोलते हैं पेनिकल, ठीक है। और ये जनरली टर्मिनल, जनरली क्या टर्मिनल शूट, सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो होता है ना शूट का, वहां से फिर वहां से वो लीफ निकलना बंद हो जाएगा। जब पेनिकल निकल गया तो लीफ निकलना बंद हो जाएगा, टर्मिनल मतलब लास्ट पोर्शन पे एपेक्स पे वहां से निकलता है। जब राइस का फ्लावर निकलेगा तो वो उसके बाद लीफ का निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि लीफ जो राइस का ग्रोथ होता है वो डिटर्मिनेट टाइप का होता है, मतलब डिटर्मिनेट एक पर्टिकुलर, एक होता है दो ग्रोथ दो तरह का हो गया,
डिटरमिनेट और इंडिटरमिनेट। इंडिटरमिनेट मतलब साइज बढ़ता रहेगा, लेकिन डिटरमिनेट का मतलब हो गया फ्लावरिंग हो गया, उसके बाद प्लांट का हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेट टाइप का होता है। ड्रूपी इन नेचर होता है पैनिकल। पैनिकल क्या होता है, झुक जाता है। आप देखिएगा राइस का पैनिकल ऐसे निकला रहेगा, गेहूं का ऐसे खड़ा रहता है सीधा, लेकिन राइस का ऐसे झुका झुका रहता है, तो उसको बोलते हैं ड्रूपी, मतलब लटका हुआ टाइप से ड्रूपी नेचर होता है, ठीक है। और वो स्पाइकलेट्स बियर करता है, उसके स्पाइकलेट जैसे पूरा इन्फ्लोरेसेंस पैनिकल है, फिर उसमें एक अंदर स्पाइकलेट आ गया, एक फ्लावर देखेंगे तो वो स्पाइकलेट होता है, ठीक है। तो एक इसमें जो सीड जो बनेगा वो एक स्पाइकलेट, पूरा एक ये स्पाइकलेट कहलाएगा, ठीक है। यही स्पाइकलेट, ये देखो एक जो राइस का फ्लावर है ये स्पाइकलेट हो गया, ठीक है। पैनिकल और स्पाइकलेट, पैनिकल पूरा का पूरा आपको जो हो गया, इसमें ब्रांचिंग होता है, प्राइमरी ब्रांच, प्राइमरी ब्रांच से फिर अंदर ब्रांचिंग होगा, मतलब पैनिकल निकला तो मेल उससे निकला फ्लावर तो प्राइमरी ब्रांच हुआ, फिर प्राइमरी ब्रांच से भी जो फ्लावरिंग निकलेगा उसको सेकेंडरी ब्रांच बोलेंगे। पैनिकल में, पैनिकल में ब्रांचिंग होता है प्राइमरी सेकेंडरी, और एक जो फ्लावर हो गया इसका वो कहलाएगा स्पाइकलेट्स, एक फ्लावर वो कहेंगे स्पाइकलेट्स या फ्लोरेट। अब हम एक फ्लोरेट को स्टडी करें, अगर हम लोग धान के एक फ्लोरेट को देखें तो इसमें ग्लियूम्स होता है नीचे, ठीक है। रैकीला ग्रीन कलर का जो होता है जो फ्लावर को अटैच करने का काम करता है, ठीक है। और लेमास, लेमा होते हैं इसमें स्पैलिया और लेमा होता है, तो ये एक बड़ा वाला जो होता है पैलिया कहलाता है, छोटा जब अभी आगे हम देखते हैं, लेकिन नीचे स्टेराइल लेमा भी होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। एक फ्लोरेट है इन्फ्लोरेसेंस का। अब इस तरह देखें, अगर हम धान को अलग करें तो धान को अलग करेंगे तो एक बड़ा पोर्शन दिखेगा, धान को ऐसे तोड़ें एक बड़ा पोर्शन दिखेगा जिसको हम लोग लेम्मा बोलते हैं, और एक दूसरा छोटा पोर्शन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे पैलिया, ठीक है। पैलिया और लेम्मा में आप लाइनिंग देखोगे, बाहर से ऐसे भी दिखेगा या अंदर से भी दिखेगा लाइनिंग, तो वो लाइनिंग नर्व्स कहलाता है। तो जो बड़ा वाला पोर्शन लेम्मा है उसमें 5 नर्व्स होते हैं, और पैलिया जो होता है उसमें 3 नर्व्स होते हैं, ठीक है। किसी किसी धान में, गेहूं में अक्सर पाया जाता है, धान में पाया भी जा सकता है नहीं भी, आप हर फ्रूट के ऊपर ऊपर में देखिएगा एक पतला ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, जिसको कहेंगे ऑन, ठीक है, ऑन कहते हैं। हेलो, आवाज आ रहा है ना? और बीच में से आवाज, ठीक है, मैं उसका लिंक वीडियो डाल दूंगा, मैं सुन ले, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके, किलो तक हो गया, बोलते हैं स्टैमेंस, ठीक है, क्या आप पिस्टिल हो, फीमेल फ्लावर कर लो अपना सब, ठीक है। फीमेल फ्लावर को देखिए तो ये 3 पार्ट का होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओव्यूल। आप जानते हो फ्लावरिंग, फ्लावर का पार्ट पढ़े होंगे, तो फीमेल फ्लावर 3 पार्ट का होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल। ओव्यूल तो नीचे वाला हो गया जो बाद में आपको सीड बनाता है, ठीक है। फिर स्टाइल है जो ऊपर वाला पोर्शन जहां पर आपको पोलन ग्रेन कैच करता है उसको और ओव्यूल को जोड़ता है, एक मतलब सिलेंडर टाइप का होलो स्ट्रक्चर होगा जिसको स्टाइल बोलते हैं। और स्टिग्मा वो जिसपे पोलन गिरता है वहां से जर्मिनेट होके वो फर्टिलाइज करता है, तो स्टिग्मा कहलाता है। तो स्टिग्मा ऐसे ब्रांच्ड होता है, जो राइस का स्टिग्मा होता है वो ब्रांच्ड होता है, दो दो पार्ट में बटा होता है, ठीक है। तो ये फीमेल फ्लावर होता है, और फीमेल फ्लावर उसके बाद जहाँ फ्लावर बेस होता है नीचे उसको बोलते हैं लोडिक्यूल, जो फ्लावर को होल्ड करता है इसमें लोडिक्यूल बोलते हैं। और स्टैमेंस इसमें 6 होते हैं, 6 स्टैमेंस होते हैं राइस में, तो याद रखना है कि राइस में 6 स्टैमेंस होते हैं, ओके। एक आपको फीमेल फ्लावर होगा एक इसमें, और फीमेल फ्लावर जिसको पिस्टिल बोलते हैं, एक ओव्यूल होगा, स्टाइल होगा और स्टिग्मा जो ब्रांच होगा, ब्रांच स्टिग्मा। ऑन जो है जो आपको सीड के ऊपर में एक पतला है मतलब निकला रहता है जो पोर्शन राइस में, किसी राइस में वैरायटी में होता है किसी राइस वैरायटी में नहीं होता है ऑन, तो ये ऑन जो है ये भी फोटोसिंथेसिस को जमा करने में काम आता है कभी कभी, ठीक है। तो ऑन भी हो सकता है, ऑन हो भी सकता है या नॉन ऑन भी हो सकता है राइस के। उसमें 2 पार्ट होते हैं, फिर ऊपर वाला कवर देखो जो धान का ये होता है उसको लेमा बड़ा वाला पोर्शन, पैलिया छोटा वाला पोर्शन। लेमा में जो लाइनिंग होते हैं उसको नर्व्स बोलते हैं, ये नर्व्स लेमा में आपको 5 होंगे और पैलिया में 3 होंगे, ठीक है।
तो यही चीज है, यही राइस का हम लोग फिर आपको अलग अलग पार्ट बताए हैं, ठीक है। ये अब जब ग्रेन में आ जाए, तो जब राइस फर्टिलाइज करता, मतलब राइस का फ्लावर फर्टिलाइज होगा, राइस में डेवलप होता है, जो धान बनता है, तो धान का अगर हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े तो क्या होता है, लेम्मा जो है, ये लेमा आपको हम बता चुके हैं, जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर लेमा होगा, छोटा वाला जो कहलाता है धान का, जो ब्राउन वाला दिखता है उसमें पहलिया कहलाता है, ठीक है। स्टेराइल लेमास भी होता है जो नीचे होता है राइस में, दिखेगा नहीं। फिर आपको पेरिकार्प होता है, लेमा के नीचे एक लेयर होगा जिसको पेरिकार्प बोलेंगे। फिर टेग्यूमेंट आपको होगा, टेग्यूमेंटम होगा, एल्यूरोन लेयर होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर जो पूरा राइस होता है वो होता है स्टार्ची। कभी कभी आप राइस देखोगे ना, तो राइस को हमेशा देखना कि अभी आप कभी राइस उठा के देखना, ऊपर में ऐसे हल्का सा कटा हुआ पोर्शन रहता है, ठीक है। हाँ, जनरली ये पोर्शन टूट जाता है जब आप हलिंग या मिलिंग करते हैं, ओके। अगर आप सिर्फ लेमा हटाएं तो ये पोर्शन पूरा समूचा रह भी सकता है, राइस को करने से जर्मिनेट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये पोर्शन टूट जाता है राइस का। ठीक है, राइस का जो सीड होता है इसमें इंडोस्पर्म हो गया, स्टार्च इंडोस्पर्म। फिर अंदर देखें स्कूटेलम होता है, जो स्कूटेलम बोलते हैं कोटिलेडन को ढका रहता है, जो आपको रेडिकल और प्लीम्यूल को ढका, या तो पूरा ढके या फिर आधा ढके। रेडिकल बोलते हैं जिससे रूट निकलता है, वो वाला से वो कहलाएगा। प्लीम्यूल वो पोर्शन सीड का है, एम्ब्रियो का, जो कि आपको स्टेम को या फिर शूट बनाता है, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है एम्ब्रियो कहलाता है, रेडिकल, प्लीम्यूल, एपिब्लास्ट और स्कूटेलम। राइस का ये पोर्शन कहलाएगा एम्ब्रियो, और रैकिस जिसपे आपको सीड आपको स्टे करता है, उसको रैकिला बोलते हैं, रैकिस बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम राइस दो तरह का होता है, एक होता है पॉलिश्ड राइस, एक होता है अनपॉलिश्ड राइस। ब्राउन जो एक ब्राउन कलर का राइस बोलते हैं, बोलते हैं ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, और एक होता है पॉलिश व्हाइट राइस। तो क्या होता है ना, पॉलिश्ड राइस में क्या होता है, ये एल्यूरोन लेयर तक को हटा देते हैं हम लोग, सिर्फ अंदर का स्टार्ची लेयर रहता है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं। एक होता है ब्राउन राइस, ब्राउन राइस में क्या होता है, हम लेमा हटाते हैं, पेरिकार्प का कुछ पोर्शन लेते हुए पूरा एम्ब्रियो लेते हैं, ठीक है। इतना सिर्फ पोर्शन हटाए धान से तो हमारा कहलाएगा ब्राउन राइस। तो ब्राउन राइस या कैरियोप्सिस भी कहलाता है, कैरियोप्सिस जनरली इसके सीड को बोलते हैं धान के। लेकिन पेरिकार्प से लेके पूरा एम्ब्रियो, ये अगर पूरा अंदर का पोर्शन हम लोग पेरिकार्प के अंदर का पूरा रीजन लें तो वो राइस कहलाएगा। बाकी ऊपर का लेमा पहले हटा दें तो ये पोर्शन कहलाता है हमारा ब्राउन राइस। और एक होता है पॉलिश राइस, जिसमें हम लोग ऊपर का टेग्यूमेंट एल्यूरोन लेयर तक हटा देते हैं, स्टार्ची एंडोस्पर्म रहता है सिर्फ, और एम्ब्रियो भी हट जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है, एक होता है ब्रान, ब्रान ऑयल भी बोलते हैं राइस में, इंपॉर्टेंट होता है, जो पेरिकार्प, सीड कोट, सीड कोट जो टेग्यूमेंट हो गया, न्यूसेलस और एल्यूरोन लेयर, ये पूरा लेयर कहलाता है ब्रान, ठीक है। जब ब्राउन राइस को हम लोग पॉलिश करते हैं, जब पॉलिश राइस होता है, व्हाइट जो हम लोग खाते हैं पॉलिश राइस होता है, तो ये ब्राउन लेयर को हटा दिया जाता है, और इसमें ऑयल और प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्राउन राइस में आपको ब्राउन लेयर प्रेजेंट होगा, और पॉलिश राइस में ब्राउन लेयर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। पूछना है किसी को, पूछ लो। हेलो सर। हाँ समझ में आया आप लोगों को ये? यस सर, पूरा समझ में आया। अब याद करना है, समझना है, इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ओके okay?